हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है कि लोगों की नज़र में आप अच्छे इंसान हो। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है, जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 7405203378, इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, चार्जेस बहुत ही कम हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिटेल में अच्छे से मिलेगा, इतना याद रखिए। और व्हाट्सअप मैसेज ही करना है, इतना याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए क्या लोगों की नजर में वो अच्छे इंसान है? फाइव कप, आपके इमोशंस की बिल्कुल कदर है। द चैरियट, किंग ऑफ कप एंड चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, जो मैंने कहा द मैजिशियन, बहुत ही अच्छी कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ पेंट्स, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, आगे देखते हैं क्या है, क्या लोगों की नजर में आप अच्छे इंसान हैं। सोलमेट्स, कम्युनिटी, लिस्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड लास्ट है फ्लेक्सिबल, नाइस एनर्जी। बॉटम टू डेक हमारे पास है चॉप फूड। ओके, यहाँ जो साइन है वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की नज़र में एक फुलफिलमेंट चाहते हो कि लोग मुझे इस तरीके से ही पसंद करें। आपके दिलो दिमाग में ये है कि मेरे स्टेटस वैल्यू लोगों को पता नहीं होनी चाहिए, कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। लोगों को यही लगना चाहिए कि मैं एक बहुत ही सदर इंसान हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, जो भी है वो बेहतर रूप में है। इस तरीके से लोगों को पता होना चाहिए, या अपने तरीके से मेरे लुक वाइज या मेरी पर्सनालिटी वाइज लोगों को पता चल जाए कि ये इस इंसान के पास अच्छी खासी एक अच्छा खासा रुतबा है, वो पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप खुद चाहते हो, इस वजह से आप उसके मुताबिक रहते भी हो। लोगों को आप एक बहुत ही कमज़ोर और स्टेटस वाइज बहुत ही निम्न नहीं दिखने चाहिए, इस तरीके से आपकी सोच है। और उसमें आप फुलफिलमेंट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप ध्यान से देखो तो सारे ही कार्ड मेजर अरकाना है, यहाँ सिर्फ दो तीन कार्ड ऐसे हैं जो नॉर्मली माइनर अरकाना है, जिससे यही पता चलता है कि आप अपने मुताबिक जो चाहते हो वैसा हो भी रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशंस को लोगों के सामने जिस तरीके से रख रहे हो वैसा ही लोग मानने चाहिए, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, तकलीफ में हो, वो लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए। और आप अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने बिहेवियर के थ्रू
अपने दुखों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहते हो। हाँ, किसी वर्ग का किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो अपने तरीके से वहाँ के लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एक अंदरूनी जो कुछ भी तकलीफें है या दुख है वो लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, ऐसा आपका मानना है। यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं 80% है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी एनर्जी में भी कहीं ना कहीं बैलेंस रखते हो। अपनी एनर्जी को किसी के सामने डाउन नहीं होनी चाहिए या किसी को इस तरीके से नहीं लगना चाहिए कि ये तो इसको तो रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए या इसको इतना ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की एनर्जी आप नहीं देते हो, आपको लोगों को इस तरीके से दिखाते हो अपने रुतबे में, अपने रोब में या अपने खुमारी में कि मेरे स्टेटस वैल्यू को लोग हाई ही समझे समझे या एक हाई ही माननी चाहिए या लोगों को इस तरीके से ही लगना चाहिए कि मैं अपने स्टेटस वाइज बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। इस तरीके से ही आप दिखाते हो और लोगों को भी वैसा लगता भी है, इस तरीके की एनर्जी है। अब यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन के साथ मून की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने स्टेटस में जो जिस तरीके से रहते हो उसके मुताबिक आप सब कुछ बैलेंस करके चलते हो, क्योंकि मून की एनर्जी एक बैलेंस की एनर्जी है कि आपको हर तरीके से सब कुछ ठीक रखना है, स्थिर रखना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके जीवन में परेशानी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके जीवन में एक पैसे वाइज किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ इतना ज़्यादा मेरे बारे में पता, एक जो मेरे जीवन में जो तकलीफें हैं प्रॉब्लम है उसके बारे में तो बिल्कुल भी पता होना नहीं चाहिए। तो वो आप अपने तक ही सीमित रखना ज़्यादा पसंद करते हो, इस वजह से लोगों को भी यहाँ पता नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ फर्स्ट एनर्जी 5 ऑफ कप की आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने तरीके से इमोशंस वाइज कितने भी दुखी हो लोगों को नहीं पता होना चाहिए। आपको एक बेस्ट एनर्जी की मून की एनर्जी में रहना है जिसमें बैलेंस है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। तो मेरे जीवन में भी थोड़े अप एंड डाउन्स है, वो बहुत ही जेन्यून है और नॉर्मल है, वो लोगों को पता हो वो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा हम दुखी है या परेशान है, तकलीफ में है, वो लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं ही होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। अब ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। अब लास्ट एनर्जी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी। ये एनर्जी में ये आया है जिस तरीके से आप कार्ड आगे बढ़ रहे हैं उससे पता चल, ये जो एनर्जी है वो नॉर्मली 50% है, जिसमें ये है कि एक 5 कप की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं हम जो बाहरी तौर पर जो तकलीफें दिखाई देती है उसके मुताबिक लोग अंदाज़ा निकाले तो कोई बात नहीं, उससे मेरे स्टेटस वाइज किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बाहरी तौर पर हमारी हेल्थ नज़र आती है, बाहरी तौर पर हम किस तरीके का बिहेव करते हैं वो नज़र आता है, हम अपने आप में लुकिंग वाइज किस तरीके से रहते हैं वो नज़र आता है। तो बाहरी तौर पर लोगों को जिस तरीके से जो नज़र आता है उसके मुताबिक लोग अपने तरीके से अनुमान लगाना चाहते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बातें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए वो नहीं पता चलनी ही चाहिए, इस तरीके का आपका मानना है। और वो यहाँ दिख रहा है कार्ड के थ्रू कि वो नहीं पता चलता है। अब यहाँ ये जो मैंने एनर्जी बताई है वो आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप सुनिए कि लोगों की नज़र आप अच्छे इंसान हैं तो इसके लिए आंसर आया है यस। आप लोगों की नज़र में एक बहुत अच्छे इंसान हो, फर्स्ट एनर्जी से ही पता चलता है कि आप अपने इमोशंस को किस तरीके से लोगों के सामने रखते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, एक 100% स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अपने इमोशंस को बेहतर रूप में रख रहे हो। इस वजह से लोगों की नज़र में लोगों को यही लगता है कि आप लोगों की तकलीफ़ों को समझते हो,
उनकी पीड़ा को समझते हो, उनको समझते हो, उनके बिहेवियर में को भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हो, उनके दुख दर्द में खड़े रहते हो, उनको सपोर्ट करते हो, ऐसा उनको लगता है। इस वजह से उनको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। और जो मैंने कहा कि आप अपने दुख तकलीफ़ें किसी को ज़्यादा दिखाना बताना पसंद नहीं करते हो, कहना पसंद नहीं करते हो, तो ये एनर्जी है कि इस तरीके के लोग बहुत ही कम अपने बारे में, अपने दुख तकलीफों के बारे में किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। सिर्फ सुख और खुशी को लेकर ही लोगों के साथ ज़्यादा बताना पसंद करते हैं, कहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके के आप इंसान हो। तो वही है कि आपके इमोशंस में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन वो लोगों को नहीं पता है। इस वजह से लोग आपको, लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो जो बहुत ही पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है। दूसरों के दुखों में और सुखों में खड़े रहना आप जानते हो, बहुत ही सपोर्टिव हो, बहुत ही दिल से प्योर इंसान हो, ऐसा लोगों को लगता है। और सुख दुख में खड़े रहना आपसे ही हमने सीखा है, ऐसा उनको लगता है। तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, ऐसा आपके आसपास के लोग मानते हैं। आपके बारे में लोग ये भी देखते हैं कि आप उनके साथ बहुत ही पॉजिटिव हो, उनको एक एक अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करना या उनको गाइडेंस देना, उनको एडवाइस देने में भी आप हमेशा आगे हो, और उनके साथ खड़े रहना हर एक मोमेंट में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर एक मोमेंट में आप उनके साथ खड़े रहते हो, वो उनको अच्छा लगता है। इस वजह से भी लोगों की नज़र में आप हर तरीके से अच्छे इंसान हो। आप ध्यान से कार्ड देखो, आपके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। लोग ये मानते हैं कि आप एक फैमिली को अच्छी तरीके से जिम्मेदारीपूर्ण निभा कर आगे बढ़ने वाले इंसान हो, यानी फैमिली आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, और इस वजह से आप फैमिली को बहुत ही तवज्जो देते हो, ऐसा लोगों को लगता है। आप अपने इमोशंस को भी संभालना जानते हो, अपने परिवार के इमोशंस को भी संभालना जानते हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें आप बहुत ही अच्छे हो, ऐसा उनको लगता है। लोग ये भी देखते हैं कि आप हर काम को सूझबूझ से करते हो, बहुत ही सोच समझ कर चलना आपको आता है, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोगों की नज़र में आप कहीं ना कहीं इस तरीके के स्ट्रांग इंसान हो, एक मैजिशियन हो, कि आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हमारे काम बन जाते हैं। आप हमारे साथ हो, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। आपकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम पॉजिटिव रहते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमारे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफों से या एक्सपीरियंस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान ला सकते हैं और हर चीज़ में अच्छा नाम कर सकते हैं। इस तरीके की लोगों की एनर्जी है आपको लेकर। तो लोग आपसे इम्प्रेस है, आपसे खुश है, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आपके साथ जुड़ने से उनके हर तरीके के काम बनते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हो, उनको हिम्मत देते हो, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ ये एनर्जी आप ध्यान से देखो, सोलमेट की एनर्जी। तो आप बहुत सारे लोगों के बेस्ट फ्रेंड हो, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखते हो, उनकी केयर करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनके साथ खड़े रहते हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो तो उनको लगता है आपके बारे में कि आप बहुत ही उनके केयरिंग पार्टनर हो, केयरिंग पर्सन हो, और हर चीज़ में मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही समझ जाते हो, ऐसा उनको लगता है। आपके आसपास के लोगों को भी लगता है कि आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हो, और आप बेस्ट फ्रेंड हो, आप बेस्ट कलीग हो, उनको हमेशा यही लगता है कि आप हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कमाल कर सकते हैं। और यहाँ लोगों की नज़र में आप एक अच्छे इंसान इस वजह से भी बने हुए हो, क्योंकि आप ये जो कम्युनिटी की एनर्जी है, इसमें ये दिखा जाता है कि आप हर तरीके से आपके आसपास के लोगों के साथ जुड़े हुए हो, एक आपका रिलेशन उनके साथ बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, जो ये किंग ऑफ कप की एनर्जी का मतलब ही यही होता है
कि आप ज़्यादा लोगों के साथ इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनके साथ बातचीत करते हो ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी भी बातचीत करते हो बहुत अच्छी करते हो, या जितना भी उन जो भी आपके पास सलाह मशवरा लेने आता है उनको आप सटीक आंसर देते हो, एकदम 100% आंसर देते हो, जिससे कोई भी इंसान इम्प्रेस हो जाए, तो वो आप में बात है। आप डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छे लेते हो, आप एक्शन लेने में बहुत अच्छे हो, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से क्या कुछ करना है, आप बहुत सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छे हो, ऐसा आपके आसपास के सभी लोगों को लगता है। आप जितने शांत हो उतने ही मज़ेदार और समझदार पर्सन हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो इस वजह से आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ ये बात मैं कहना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आप उनके साथ नहीं जुड़े हो, ये बात ज़रूर है कि आप उनके साथ बिल्कुल नहीं जुड़े हो, लोग आपके साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप तो ज़्यादातर अपनी ही चीज़ों में ज़्यादा खोए रहना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों को संभालना आपको पसंद है, अपनी ही जिम्मेदारी में खुश रहना पसंद है, अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद है, लेकिन लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, और इस वजह से बार बार आपके घर आना जाना लोगों का लगातार बना रहता है, क्योंकि लोग आपके साथ खुश है, जिंदा दिल है, आपके साथ वो किसी भी टॉपिक की बातचीत कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई भी बात कहने में उनको हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है, ऐसा माहौल आप उनको देते हो, आपने उनका ऐसा माहौल क्रिएट किया है लोगों के सामने, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को कि आप जैसा इंसान उनके जीवन में है। यहाँ ये भी है कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स लोगों के जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस है वो आप कंप्लीट करते हो, और आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस है वो आप ज़्यादा किसी को बताना पसंद नहीं करते हो, लेकिन खुद ब खुद उसका समाधान लाना आपको पसंद है और आप वो समाधान ला भी देते हो। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी ये दिखाती है कि आप हर चीज़ में फ्लेक्सिबल हो, लोगों की नज़र में आप बहुत ही जेन्युइन इंसान हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, दिल से अच्छे इंसान हो, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, लोगों के साथ आसानी से जुड़ना आपको आता है, आपके अंदर किसी भी मगरूरी या घमंड उनको नज़र नहीं आता है, आप बहुत ही अच्छे से उनके साथ रहते हो, अच्छा बिहेव करते हो, उनके साथ एक तालमेल के साथ अच्छी तरीके से जुड़ते हो, उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाते हो, अच्छा रिश्ता रखते हो, आपको सामने से बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा रिश्ता इसके साथ है उसके साथ है, आप इस तरीके से किसी के सामने दिखावा नहीं करते हो, जो लोगों को मेरे साथ एक कंफर्टेबल महसूस होगा तो वो मेरे पास आएगी, इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर जो है वो लोगों को दिखाई देती है, इस वजह से भी लोगों की नज़र में आप एक अच्छे इंसान हो। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे भी नहीं हो कि लोग आपका फ़ायदा उठाए या लोग आपको बेवकूफ़ बनाए, इस तरीके की पर्सन की मैं बातचीत नहीं कर रही हूँ, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, इतना याद रखें, आप बहुत ही दृढ़ निश्चय हो, आपको बहुत ही एक सभानता है कि आपको अपने जीवन से किस तरीके से क्या करना है, आप बहुत ही जिम्मेदार पर्सन हो, इमोशनल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और आप एक मैजिशियन हो कि आप एक बहुत ही घमंड को साइड में रखते हुए आपसे अपने जीवन में जो कुछ भी हो सकता है वो आप ज़रूर करेंगे, इतनी एक बहुत ही सरल इंसान हो वो लोगों को नज़र आता है, तो आप जितने सरल हो इतने ही स्ट्रॉन्ग भी हो, बहुत ही कैपेबल भी हो, बहुत ही बुद्धिशाली भी हो, तो आपके साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कराते हो, एक अच्छा माहौल देते हो, वो लोगों को बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बुद्धिशाली होने के बावजूद भी ये इंसान बहुत ही सहृदय तरीके से हमारे साथ सरल तरीके से रह रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से लोग सोचते हैं, तो सच में लोगों की नज़र में आप एक अच्छे इंसान हो। यह है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय।